अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक मजे में। वेलकम टू माय चैनल, आई एम फैसल व्लॉगर। ये चाचा बैठे हैं मेरे पास, ये पर्चा लेकर आ गए अस्पताल का। अस्पताल का पर्चा ये देख लो, ये आया भाई कार्डियो अस्पताल से, गोलियां बहुत महंगी है। ये कार्डियो हॉस्पिटल का ये पर्चा। भाभी पर्चा, दवाई मुफ्त तो नहीं मिलती? नहीं, पैसे यहाँ करीस्ट है भाई, मेडिकल के पैसे लगते हैं, बाकी वहाँ का इलाज तो फ्री मेरे घर में है। इलाज फ्री में? हाँ, दिल का है ना ये? दिल का अभी चाचा को दिल का कोई है मसला, तो उसकी दवाइयाँ वगैरह है, तो अभी लेने जाओगे? हाँ, अभी यहाँ से लेने जाएंगे। अच्छा, यहाँ से ले लोगे? ये मेडिकल है, यहाँ से ले। सही। अल्लाह पाक शिफा दे भाई आपको। बिल्कुल। आज 2 सितंबर है और आज जो है हड़ताल का कहा गया था। दूसरी जगहों में हड़ताल, दुकानें बंद हुई कि नहीं हुई पता नहीं है, लेकिन मीना बाज़ार हमारा मेन चौक है, पूरा खुला हुआ था। पूरा खुला हुआ था। सामने हलीम की दुकान थी, ये भी तकरीबन 12 बजे तक तो मेरे ख्याल में बंद थी, इसके बाद आके इन्होंने भी खोल ली दुकान। मैं भी 11:30 बजे यहाँ पर आया हूँ, फेरे पे काम पे आया हूँ। मैंने बोला बंद होगा तो हम भी बंद रखेंगे, सब खुला तो फिर हमने भी खोल लिया भाई, समझे ना भाई? बंद हो तो हम भी बंद ही रखते भाई, लेकिन जब यहाँ पर आए सुबह को सब खुला हुआ था, मीना बाज़ार मेन चौक खुला हुआ था पूरा, ठीक है ना? आगे का नहीं पता कि उधर कहीं दुकानें के मार्केटें बंद हैं कि नहीं, तो आगे भी पता चल जाएगा, रिपोर्ट आएगी हमारे में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। हमारे मीना बाज़ार मेन चौक में एक मच्छी वाला होता है, यहाँ पे लगाता है मच्छी वाला है, शकील भाई नाम है, उसका भाई का नाम नबील भाई है। तो आज उसके अब्बू का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज उसके अब्बू का इंतकाल होगा। बैठते थे ना चाचा मेरे पास भी, आगे बैठते थे ज़्यादा, कभी कभार आगे बैठ जाते थे, तो उनका आज इंतकाल हो गया। तो वो जो है उनकी मैयत जो है वो लेके जाएंगे वहाँ पे अपने गांव एबटाबाद, तो वहाँ पे जो है तदफीन होगी, वहाँ पे नमाज जनाज होगी उसकी, तो आज उसका इंतकाल हुआ। अभी जिस चाचा का इंतकाल हुआ ना, इस चाचा के घर हम 2016 में घूमने के लिए गए थे टूर पे, तो इसके घर हम रुक कर आए थे 4 दिन, माशाल्लाह 4 दिन रुक कर आए थे वहाँ पे। और बहुत ही अच्छी आदत के थे माशाल्लाह इसके चाचा, ये शकील भाई के अब्बू, मच्छी वाले के अब्बू, बहुत अच्छी आदत के थे माशाल्लाह। किसी से साथ कोई फटा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, कुछ भी नहीं माशाल्लाह। बहुत सीधे साधे आदमी माशाल्लाह, गांव देहात के होते ना बंदे, वैसे आदमी थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे इंसान थे माशाल्लाह। अल्लाह पाक मफरत करे, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे इसका। और बस क्या करें भाई, सबको जाना है भाई, सबको जाना है। आज तो हड़ताल भी है और आज मैच भी है पाकिस्तान और इंडिया का, श्रीलंका में। तो इंडिया ने तो खेल लिया, पता नहीं कितने रन बनाए, और पाकिस्तान खेल लिए, कह रहे अभी 5 आउट हो गए पाकिस्तान के, 6:26 हो रहे हैं इस टाइम पे। वहाँ पे चेयरमैन दूध वाला हमारा वहाँ पे रश लगा हुआ है, टीवी में मैच चल रहा है अभी, तो हड़ताल भी और मैच भी है, इसी वजह से जो ना ये बाज़ार के बाजे बजे में, बाज़ार नहीं चल रहा भाई, ठंडे होके बैठे हुए हमें सुकून से। छुट्टी या छुट्टी भाई, अभी वो खबर गरज लेके आ गया, पाकिस्तान नहीं खेल रहा अभी, इंडिया ही खेल रहा है। 6:28 हो रहे हैं, इंडिया खेल रहा है 277 पे 5 आउट है। मैंने बोला ओवर का मालूम करके, अब बोला वो नहीं पता मेरे को, सुना कोई बात नहीं, चलो 277 रन और 5 आउट हैं, तो ओवर अब तकरीबन इख्तिताम पे होंगे। सुबह को थोड़ी बारिश भी हो गई थी, हो सकता है थोड़े ओवर कटे, हो सकता है शायद थोड़े ओवर कटे, नहीं कटेंगे तो पूरे 50 ओवर होंगे, तो 277 रन बना लिए भाई, 5 आउट है। अब पता नहीं ओवर कितने हैं, तो ओवर का पता चलो बाद में पता चलेगा भाई कितने रन बनाएंगे आगे, फिलहाल पता चल जाएगा कि कितना स्कोर देंगे। जो भी स्कोर देंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान बना लेगा। ये अभी आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे पत्ते, ये नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते इसके बड़े फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं माशाल्लाह। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसके जो दाने होते हैं, दाने इसके निकले होते हैं, वो इस पत्ते से नहा ले, पानी वाल डाल के भिगो के, या तो अपना पत्ते डाल के गर्म कर ले पानी को, तो फिर इससे नहा ले, दाने ख़त्म। नीम के पत्ते ताज़े वाले हैं माशाल्लाह, देखो कैसे ले रहा है नीम के पत्ते। क्या डेटर? अच्छा वही, हाँ वही, वो नहीं है कुछ भाई, कुछ और है ये, उपे डाला वही है कुछ और है, पहले बताओ क्या फीस देंगे ना, वो तो रख दिया, अभी कुछ और है, कुछ और है भाई, ये देंगे आपको बब्बू गोशा नाम है फूरगन नाका बब्बू गोशा, और ये नाशपति ये नाम है, ये इसकी नशा इसकी किस्म होती है, बताना नाई साहब कैमरे में बताना, कैमरे में बता, ये बब्बू गोशा है, नाशपति नहीं है। इसके बारे में ना पूछ रहा हूँ कि वो जो मैंने एक लड़के से सवाल किया था, इससे भी किया था, तो
अच्छा जवाब दे दिया था, आपसे भी पूछो, शायद आप ही जवाब दे दो। गूंगा है ना, गूंगा गूंगा पानी कैसे मांगेगा? हाँ वाह, अंधा कैंची, अंधा कैंची कैसे मांगेगा? कैंची दे दू। अरे वाह भाई वाह, जब ये होता है जवाब आजी, तो आजी। तो मैंने सोच रहे यूं कर रहे थे, यूं कर रहे थे भाई, मुझे मांगेगा? हाँ हाँ, ऐसा माशाल्लाह फ्रेश दिमाग होकर आए, आराम से सोच आ गया है आराम से। भाई बता तो चला नहीं, लेकिन कल मंडी जाना, टिकट कटाना, कल पक्का मंडी जाऊंगा भाई। बिल्कुल ठंडा ठार बैठे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, अल्लाह मालिक है। कल मंडी जाएंगे, ठेला भरेंगे, फिर बेचने में मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता भाई। एक राग लग गया हमारा, इमरान भाई ले रहे हैं सेब। आपको नज़ला है क्या? मेरे ख्याल में नज़ला है भाई, नज़ला नज़ला है। और क्या लेके जा रहे हो? जाम? जाम नहीं है, लींबू है। अच्छा चलो भाई, आधे किलो सेब किया। अंगूर बेच रहे हैं 100 रुपये का आधे किलो, अभी भी 100 रुपये का आधे किलो भाई अंगूर भी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मच्छी वाले चाचा का इंतकाल हो गया है, सिद्दीक भाई नाम है उसका, तो उसको गांव लेके चले गए, गांव लेके गए हैं अभी असर के बाद। असर के बाद इन्होंने गाड़ी करी है और मैयत को लेकर गए। तो अभी मेरे चाचा मम्मा चाचा हमारे जो है सगे वाले चाचा, उसने फ़ोन लगाया हमारे शकील भाई को, शकील भाई मच्छी है ना, मच्छी वाला, यानी कि जो जिसका इंतकाल हो उसके बेटे को, शकील भाई नाम है उसका, उसको फ़ोन लगाया। तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो हमने उसके पहला इजहार अफसोस हमने किया उससे, तो वहाँ से सही तरह जवाब आ नहीं रहा था, मतलब क्या मतलब गम में होंगे, रो रहे थे मेरे ख्याल में, तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तो बस उन्होंने इतना कहा कि हाँ हो गया है, बस इतना, इसके बाद ज़्यादा बात नहीं कर पाए, फ़ोन बंद कर दिया उसने। तो अभी तकरीबन असर के बाद यहाँ से निकले हैं, तो कल असर के टाइम पर वो पहुँचेंगे एबटाबाद में, एबटाबाद में मानसर है सो उसका गाँव में। तो 24 घंटे का सफ़र है गाड़ी में, गाड़ी में तो 24-25 घंटे में पहुंच जाएंगे। ट्रेन में जाओगे ना, ट्रेन में तो उसमें 34-35 घंटे का सफ़र होता है। हम तो ट्रेन में आए थे, वहाँ से हवेली स्टेशन से यहाँ पर आए थे ना कराची, तो 34 घंटे का सफ़र था। गाड़ी में तो पहुंच जाएंगे, तकरीबन 10 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। अच्छा तो आप भी जो है ना एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इख़लास पढ़ के ना इसका सवाब है इरसाल कर दीजिए, अपनों अपने जो मरहूमिन है उनके लिए भी, और चाचा को भी जो ना इरसाल कर दें सवाब, तो पहुंच जाएगा सवाब, ठीक है ना। मगफरत की दुआ भी, मतलब गुजारिश आप भी मगफरत की दुआ कीजिए, ठीक है ना। बस अल्लाह पाक सबकी मगफरत करे, आमीन।